गर्मी की मार से पानी की समस्या के बारे में आपको बताया, अब उन राज्यों की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आसमानी बारिश आई तो वो भी आफत बनकर। बात कर रहे हैं कर्नाटक और झारखंड की। ये दो तस्वीरें बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कर्नाटक के मैंगलोर में इतनी बारिश यहां पर हुई है जो पूरे तटीय इलाके हैं वहां पर इस तरह के हालात बन गए हैं। शहर के बीच में समंदर जैसे हालात कि जैसे कोई नदी यहां पर बह रही हो। लोगों को नाव के सहारे यहां निकाला जा रहा है। किस कदर लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ये देखिए स्कूटर के टायर बिल्कुल पानी के अंदर, गाड़ियां मकान सब डूबे हुए हैं। पानी का बहाव बहुत तेज, कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से यहाँ भारी बारिश हुई है। और मौसम को देखते हुए यहाँ पहले ही छुट्टी का ऐलान स्कूल कॉलेज में कर दिया गया था। और ये दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये झारखंड के रामगढ़ की है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बैंगलोर की जरा तस्वीर देखिए, वाहन खराब हो गए हैं। ये देखिए, ये बारिश के अंदर ये सांप देखिए जा रहा है, ये काले रंग का जो आप देख रहे हैं ये सांप है। सांप किस तरह से जाता हुआ, और लोगों को डर भी लग रहा है। ये देखिए टायर तक नजर नहीं आ रहे हैं। पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है, बारिश के हालात, बाढ़ के हालात यहाँ बन गए हैं। पूरा शहर इसी तरह से दिखाई दे रहा है, पूरा शहर एक किस्म से रुक सा गया है। और आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर आंधी और तूफान तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ये देखिए अलर्ट क्या है, आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। तेज बारिश के साथ ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, बिजनौर जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने भी इन सभी जिलों के डीएम को जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा है। मई के महीने में कई बार यूपी में आंधी और तूफान दस्तक दे चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। कल भी आंधी तूफान ने उन्नाव, कानपुर और रायबरेली में तबाही मचाई थी जहां 10 लोगों की जान चली गई थी। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो अपना ख्याल आप जरूर रखिए। तो आज भी आंधी और तूफान का अलर्ट यूपी के कई जिलों। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।